घर में रोटी पराठा खा खा के बोर हो जाते हैं तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर क्या करते हैं? तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी। अगर ये रुमाली रोटी घर में बनाया जाए तो कैसा रहे? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रुमाली रोटी की रेसिपी, वो भी बहुत आसान तरीके से। आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपने देखा होगा हाथ पे बहुत स्टाइल से वो रुमाली रोटी घुमा के बनाते हैं, वो तो हमसे घर पे होगा नहीं। तो मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस वाला प्रोसेस बता रही हूँ, आपको फॉलो करिए। आप देखिए रुमाली रोटी आपका एकदम सॉफ्ट और रेस्टोरेंट जैसा होगा। लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में एक रोचक जानकारी दी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पर जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रुमाली रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो 2 कप मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। नॉर्मल टेम्परेचर पे तेल है, तेल गरम नहीं लेना है। 2 चम्मच डाल के इसे अच्छी तरह से पहले हाथ से मिला लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी हल्का गुनगुना दूध। दूध ठंडा नहीं लीजिएगा, बहुत गर्म मत लीजिएगा। अब इसे धीरे धीरे डाल के इसे हम गूंद देते हैं। डो ऐसा गूंदना है जैसा हम रोटी और चपाती का गूंदते हैं, उससे थोड़ा नरम गूंदेंगे। जितना नरम रहेगा डो उतनी रोटी सॉफ्ट होगी। तो धीरे धीरे करके देखिए ये गूंद लिया है मैंने और ये देखिए आप बहुत स्टिकी है, इसी तरह का रखना है। इतना दूध हमारा बच गया है, 1 कटोरी में 2-4 चम्मच दूध बच गया है। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर से 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे थोड़ा हम मिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिल जाइए। थोड़ा मुक्का से दबा दबा के इसे अच्छी तरह से आप मसल लीजिए और एक जगह इकट्ठा करके इसका रोल बना लीजिए। और रोल बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल के इसे हम एक प्लेट से ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। दो को कर देते हैं साइड और एक काम और कर लेते हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद आपके पास अगर घर में कोई स्प्रे वाला बॉटल हो, इस तरह के बॉटल में इसको डाल दीजिए। इसका काम बाद में पड़ेगा लेकिन करके पहले रख लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया, इस तरह से स्प्रे हो जाना चाहिए। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई को उल्टा करके गैस पे रख देते हैं और फ्लेम को अभी यहाँ मैं मीडियम रखती हूँ और दोनों साइड कटोरी रख देते हैं ताकि कढ़ाई हमारा हिले नहीं। अब देखिए आटा हमारा 15 मिनट हो गया है, सेट हो गया होगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से उंगली दबाने से ऐसा हो जा रहा है। तो आटा हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के इसे थोड़ा अच्छी तरह से मिला लेते हैं और प्लेटफॉर्म पे इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं। मसलने के बाद थोड़ा सा इस पे मैं मैदा को स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला के इसको इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हम एक लोई लेते हैं, उसे अच्छी तरह से मिला के गोल शेप दे देते हैं और इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो बेलना इसे बहुत ही पतला है। पहले हम थोड़ा सा मैदा ऊपर से भुरक देते हैं और इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। आपको इतना पतला बेलना है कि नीचे का प्लेटफॉर्म आर पार आपको दिखे। तो आप इसे बेलते जाइए, हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए जाइए, क्योंकि मैदा है तो वापस क्या होता है अपने जगह पे आ जाता है। हम इसे टाइटली बेलते हैं और ये वापस सिकुड़ जाता है, इसीलिए इसे थोड़ा दबा के बेलते जाइए ताकि लंबा भी होते जाए, गोल भी हो रोटी हमारा और पतला भी बने। देखिए मैं इसे बेलते गई हूँ, रोटी काफ़ी बड़ा साइज का हो गया है। अब इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो रोटी फट जाएगा। तो आप देख सकते होंगे कि मैं इसे हाथ पे रख रही हूँ तो हथेली दिख रहा है, तो ऐसा ही चाहिए। इतना पतला चाहिए कि आर पार दिख जाए। इस तरह से थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब रोटी तो रेडी है, चलते हैं इसे अब सेकने के लिए। कढ़ाई ऑलरेडी मैंने गरम होने दे दिया था। अब ये जो स्प्रे मैंने पहले आपको कहा था उसमें नमक और पानी का घोल डाल दीजिए। इस तरह से स्प्रे इस पर मार देते हैं। स्प्रे मार देने के बाद फिर इस पर हम धीरे से रोटी को रखेंगे इस तरह से। और फ्लेम यहाँ पे मैं मीडियम रखी हूँ, ज़्यादा हाई भी नहीं करना, ज़्यादा लो भी नहीं करना। आप देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे बबल उठना स्टार्ट हो गया है। जब इस तरह का बबल उठना स्टार्ट हो जाएगा फिर इसे हम क्या करेंगे, धीरे से हम पलट देंगे। अब इसे हम चिमटे की मदद से पलट देते हैं, बहुत आराम से पलटिएगा। और एक साफ़ कपड़ा लेते हैं, कपड़े से इस तरह से दबा देते हैं, थोड़ा थोड़ा चारों साइड आप दबा दीजिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे चिमटे से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। नाम है रुमाली रोटी तो इसे हम रुमाल की तरह फोल्ड करते हैं। जैसे कि हम रुमाल को फोल्ड करते हैं उसी तरह इसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं।
इसी तरह और रोटी हम बना लेंगे सेम प्रोसेस से। तो ये देखिए मैं दोनों साइड से आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया रुमाली रोटी बनके रेडी है। इसी तरह और हम बना लेंगे रुमाली रोटी। तो सभी चीज़ों का मेज़रमेंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये रुमाली रोटी पसंद आई तो मेरी वीडियो को कमेंट करिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए फ्रेंड। तो ये सारे रुमाली रोटी बनके मैंने प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट भी है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। तो रेस्टोरेंट जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, घर पे बनाइए आप रुमाली रोटी और घर में रेस्टोरेंट जैसा मज़ा लीजिए। मैं इसे सर्व की हूँ छोले और पनीर की सब्जी के साथ। आप किसके साथ इसे सर्व कर रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये लीजिए मैं इसे छोले के साथ खा के आपको बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है। अब पनीर के साथ खा के देखते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।